नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 3,444 कोरोना के नए मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस दौरान 3,444 नए मामले मिले हैं। मृतकों में 4 पूर्वी सिंहभूम, 1 गोड्डा और 1 कोडरमा के थे। रविवार को सबसे अधिक 1,143 मरीज राजधानी रांची में मिले। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 542 और रामगढ़ में 232 मरीजों की पुष्टि हुई है। झारखंड के 8 जिलों में मरीजों की संख्या 100 से अधिक रही है, जबकि 4 जिले ऐसे हैं जहां 20 से कम मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 11 जिलों में 100 से अधिक मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर है, झारखंड में अगले 5 दिनों तक होगी बारिश। झारखंड का मौसम एक बार फिर बदल गया है। झारखंड के कई इलाकों में रविवार की देर शाम में बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर है, जिसके कारण सोमवार को झारखंड के उत्तरी और मध्य भागों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। 11 को पूरे झारखंड में बारिश के आसार हैं। इस दौरान ओलावृष्टि भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि 13 जनवरी के बाद बारिश से राहत मिल सकती है। वहीं 16 जनवरी से आसमान के साफ होने की संभावना है। बड़ी खबर है, इन 5 राज्यों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर अब नहीं दिखेंगे पीएम मोदी की तस्वीर। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया है। ऐसे में अब 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में अब चुनाव आयोग के नियंत्रण में सरकारी मशीनरी एक तरह से रहेगी। इसी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन सॉफ्टवेयर पर फिल्टर लागू किया। मीडिया की खबरों को माने तो आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन सॉफ्टवेयर पर फिल्टर लागू किया, ताकि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई ना दे। बताया जा रहा है कि 5 मतदान वाले राज्यों में शनिवार रात टीकाकरण प्रमाण पत्रों से पीएम का नाम और फोटो हटा दिया गया है। झारखंड के बोकारो से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। यहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। झारखंड के बोकारो में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में पिकनिक से लौट रहे 4 दोस्तों की जहां मौत हो गई, वहीं कुछ लोग जख्मी भी बताए गए हैं। यह दर्दनाक घटना पेटरवार थाना क्षेत्र के NH-23 लुकैया शगुन पेट्रोल पंप के समीप रविवार की रात हुई, जब पारसनाथ से पिकनिक मनाकर लौट रहे युवकों से भरे 2 ऑटो को ट्रेलर ट्रक ने घर के पास ही रौंद डाला। इस घटना में 4 युवकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि युवकों के घर के समीप ही यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद ट्रेलर मौके से फरार हो गया। खबरों को माने तो सभी युवा पिकनिक मनाने के बाद अपने घर के समीप उतर रहे थे। इसी दौरान रामगढ़ की ओर से आ रहे अनियंत्रित ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। दोस्तों, बड़ी खबर है, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, हाई लेवल कमेटी से इंक्वायरी कराएगा सुप्रीम कोर्ट। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की हाई लेवल कमेटी जांच करेगी। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि वो SC के रिटायर जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करेगा। कोर्ट ने इस मामले में जल्द आदेश देने की बात कही। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे जांच पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को CJI NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हीमा दास की बेंच ने केंद्र सरकार की जांच पर सवाल उठाते हुए पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हमारे आदेश से पहले नोटिस जारी किया, आप 24 घंटे में जवाब मांग रहे हैं, यह आपसे उम्मीद नहीं है। आपने तो पूरा मन बना लिया है, आपने सब कुछ तय कर लिया है, तो फिर कोर्ट क्यों आए हैं? हमने किसी भी तरह का एक्शन लेने से मना किया था। आप एक और SSP को नोटिस भेज रहे हैं और दोषी भी बता रहे हैं। BSF में कांस्टेबल के पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। भारतीय सेना के सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है। यह BSF भर्ती अभियान 2,788 पदों को भरेगा।
इच्छुक उम्मीदवार BSF की आधिकारिक वेबसाइट recett.bsf.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। खबरों को माने तो पुरुषों और महिलाओं को इस पद के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी। आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2022 से शुरू होगी और 28 फरवरी 2022 को खत्म होगी। उम्मीदवारों को 2 साल के अनुभव के साथ कक्षा 10वीं पास या ITI से 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स या ट्रेड में न्यूनतम 1 साल का अनुभव या ट्रेड में ITI में 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। इस पद के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच तय की गई है। उम्मीदवारों का चयन PST, PET दस्तावेज सत्यापन, ट्रेड टेस्ट लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, देश में नए मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,80,000। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में लगातार चौथे दिन 1 लाख से अधिक डेली केस सामने आए हैं। रोजाना तेजी से बढ़ रही नए मरीजों की संख्या तीसरी लहर में पहली बार 1,80,000 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 1,79,554 नए मामले सामने आए हैं और 146 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। बता दें कि 46,441 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं और पॉजिटिविटी दर 13.29% हो गया है। इससे पहले देश में शनिवार को 1,59,000 और शुक्रवार को 1,41,000 नए संक्रमित मामले रिकॉर्ड किए गए थे। देश में अब तक 3.57 करोड़ लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 3.44 करोड़ से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं। देश में फिलहाल कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 7,84,580 है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, 12 जनवरी तक कैंसिल रहेगी झारखंड से होकर गुजरने वाली ये ट्रेनें। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में 12 जनवरी तक 8 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, जबकि 5 ट्रेनों का शेड्यूल और 2 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। चक्रधरपुर के टंगर मुंडा से बमडवा के बीच 12 जनवरी तक NI वर्क रहा है। इसकी शुरुआत 9 जनवरी को ही हो चुकी है। रेलवे के NI कार्य को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक किया जा रहा है और इसी कारण से इस रूट से गुजरने वाली झारखंड उड़ीसा की 8 ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर है, संसद के बजट सत्र पर कोरोना का साया। बजट सत्र से पहले संसद कोरोना की गिरफ्त में है। महज 4 दिन में लोकसभा और राज्यसभा के 400 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए इनके नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। सत्र शुरू होने से पहले हालात पर काबू पाने के लिए राज्यसभा के सभापति M. वेंकैया नायडू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना महामारी के प्रसार के बाद नायडू और बिड़ला ने ज़्यादातर कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था कर दी है। अधिकारियों को भी प्रत्यक्ष उपस्थिति वाली बैठकों से दूर रहने का निर्देश दिया गया है। 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी का शानदार मौका। इंडियन रेलवे में नौकरी की खोज कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन अवसर है। इसके लिए दक्षिण मध्य रेलवे ने असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और जम्मू कश्मीर आदि के निवासी के लिए स्पोर्ट्स कोटा के तहत इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार भारतीय रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल scrindianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2022 है। बता दें कि कैंडिडेट्स को ITI के साथ 10वीं पास होना जरूरी है, साथ ही राज्य या राष्ट्रीय महासंघ आदि स्तर पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कैंडिडेट्स की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कोरोना को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। कोरोना को लेकर दायर की गई एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मात्र प्रचार के लिए दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के पीछे कोई ना कोई रहस्य तो है, ऐसी सोच रखने वाले हर व्यक्ति को याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चीन जैविक हथियार के रूप में वायरस का जानबूझकर प्रसार कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह किस तरह की याचिका है, क्या चल रहा है, ऐसा लगता है कि आपने यह याचिका महज अदालत के सामने पेश होने के लिए दायर की और कुछ नहीं।